राजनीतिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में मैं शैलेंद्र कुमार, पूर्व सांसद जो संयोजक हूँ, अभिनंदन समारोह के रमा देवी पार्क लखनऊ में संपन्न होने जा रहा है 30 नवंबर को। और उसी दिन पूरे प्रदेश से, देश के कोने कोने से तमाम उनके सुचिंतक समर्थक सब वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। जैसा आपको प्रेस नोट से भी हमने अवगत करा दिया है कि 25 वर्ष उनका राजनीतिक जीवन का 30 नवंबर को पूरा हो रहा है। उस उपलक्ष्य में सोशल मीडिया तमाम उनके शुभचिंतकों ने ये राय दी और उनसे राय भी मांगी गई कि क्या राजनीतिक 25 वर्ष के इस जीवन कार्यकाल में राजा भैया को निर्दल रहना चाहिए या कोई राजनीतिक दल बनाना चाहिए या अलग से किसी दल में शामिल होना चाहिए। तब 80% लोगों का ये आया सुझाव कि नहीं, उनको अलग से राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए, जो हमने चुनाव आयोग में वहाँ पे आवेदन कर दिया है। और मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने की प्रक्रिया में वो दल बन के तैयार हो जाएगा, जिसकी विधिवत घोषणा 30 नवंबर को आदरणीय राजा भैया जी अपने मुखारविंद से रमा देवी पार्क लखनऊ में करेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 में क्या योजना है पार्टी? देखिए, लोकसभा 2019 का चुनाव में अभी तो दल हमारा बना है, उसका हमें सर्टिफिकेट चुनाव आयोग से मिलेगा और दल में पूरी तरीके से जनसत्ता दल का भागीदारी रहेगी। ठीक।